नमस्कार दोस्तों, मैं बीबी पाटिल टेक्नो सेवी टीचर सेकेंडरी यानी तंत्रस्नेही शिक्षक माध्यमिक TSTS चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे कक्षा दसवीं विषय हिंदी की कविता कृषक गान, जिसके कवि है दिनेश भारद्वाज। इस कविता का स्वाद है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहली कृति देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। इस कृति में हमें कवि की चाह लिखनी है चारों बॉक्स में, तो संजाल हम पूर्ण करेंगे। कवि की चाह, पहली चाह है मनुजता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना चाहता है कवि। दूसरी चाह, कण कण जोड़कर कृषक के लिए नीड का निर्माण करना चाहता है। तीसरी चाह, कृषक की संतोष भावना और अभिमान पर मान करना चाहता है। और चौथी चाह, विश्व के पालक कृषक के लिए नव सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक दोन में आपको और दो कृतियां करनी है। पहली कृति में कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है, उन दो स्थितियों का नाम हमको बताना है। और दूसरी कृति में कविता में प्रयुक्त ऋतु के नाम हमको बताने, दोन नाम हमको बताने। तो चलिए देखते हैं। पहली कृति, कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। पहली स्थिति है पतझर और दूसरी स्थिति है धूप। तो दूसरी कृति है कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। तो पहला ऋतु है पतझर और दूसरा ऋतु है मधुमास। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक तीन, वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमजोर शरीर को रिक्त स्थान दिया है इधर, और दूसरा वाक्य है कृषक बंजर जमीन को रिक्त स्थान दिया है। इस रिक्त स्थान को पूर्ति आपको करनी है। तो देखते हैं पहला वाक्य, कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है, और दूसरा कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सिंच कर उर्वरा बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक चार, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागरूक होने वाली भाव लिखने हैं हमें। पंक्ति है, आज उस पर मान कर लू, आह्वान उसका आज कर लू, नव सृष्टि का निर्माण कर लू, आज उसका ध्यान कर लू। तो इन वाक्यों में से, इन पंक्तियों से उत्पन्न होने वाले भाव हमें लिखने हैं। तो पहला है, आज उस पर मान कर लू, इससे अभिमान व्यक्त होता है। आह्वान उसका आज कर लू, इससे मानवता व्यक्त होती है। नव सृष्टि का निर्माण कर लू, इससे सृजनशीलता व्यक्त होती है। और आज उसका ध्यान कर लू, इससे, इस पंक्ति से आदर व्यक्त होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे। कृति क्रमांक पांच, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है निर्माता, शरीर, राक्षस और मानव। इनके लिए कविता में आए शब्द आपको लिखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। निर्माता के लिए सृजक शब्द आया है, शरीर शब्द के लिए तन शब्द आया है, राक्षस के लिए असुर शब्द आया है और मानव के लिए मनुष्य शब्द आया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक छह, कविता की प्रथम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये प्रथम चार पंक्तियां है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लू, उस कृषक का गान कर लू। तो इन चार पंक्तियों का भावार्थ है। आगे है, कृषक का जीवन कष्टमय है लेकिन उसके पास संतोष रूपी धन है। जग में वसंत ऋतु या कोई और ऋतु हो, कृषक के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन में हमेशा पतझड़ का ही मौसम रहता है। उसका जीवन हमेशा अभावों से भरा ही रहता है। उसका जीवन बड़ा ही दीनतापूर्ण रहने के बावजूद भी किसी से मांगना उसका स्वभाव नहीं। अपनी उस दशा पे उसको नाज है। ऐसे व्यक्ति पर कवि अभिमान करना चाहता है और उस कृषक का गान करना चाहता है। तो इन चारों पंक्तियों का यही भावार्थ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये सातवीं कृति है,
इसमें निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य का विश्लेषण करना है। मुद्दे हैं रचनाकार कवि का नाम, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण और रचना से प्राप्त प्रेरणा। तो चलिए इस कृति को हम देखते हैं। रचनाकार कवि का नाम दिनेश भारद्वाज, रचना का प्रकार गीत, पसंदीदा पंक्ति विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। ये पंक्तियां पसंद होने का कारण किसान विश्व का पालक यानी अन्नदाता है। सारे विश्व के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसने उठाई है। वह अन्न उगाकर सारे विश्व का पालन करता है। मानव की पहली जरूरत अन्न है और उसको किसान पूरा करता है। इस रचना से प्राप्त प्रेरणा, तो इस रचना से हमें आगे वाली प्रेरणा मिलती है। कृषक पूरे विश्व का अन्नदाता है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी संतोष में रहकर सृष्टि का पालन करता है। हर एक को उसका सम्मान करना चाहिए, यही प्रेरणा हम इस कविता से मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस विषय में आगे अपलोड होने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इस कविता के स्वाध्याय के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो हमारा ब्लॉग है rashtrabhasha.tsts.blogspot.com को आप भेंट कीजिएगा। उधर आपको इसकी PDF मिलेगी और ज्यादा जानकारी भी मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।